हेलो दोस्तों, के पी एस आई डी में आप सबके साथ करता हूँ। दोस्तों आज मैं फिर आप लोग लेकर आया हूँ इनकम बस प्लसमेंट का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं, ये जो कंपनी कैंपस लगा रही है वो ओप्पो मोबाइल कंपनी कैंपस प्लसमेंट लगा रही है। इसमें आपका कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह कुछ भी होने वाला है नहीं दोस्तों, आप लोग का डायरेक्ट भर्ती होगा और इंटरव्यू द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ भी आपका इसमें छोटा सा एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसमें ओप्पो मोबाइल कंपनी, इसमें सैलरी जो आपको बहुत ही अच्छा है, इसमें सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों, जो 22,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है इसमें सैलरी दिया जा रहा है। एंड जॉब लोकेशन आपका जो रहने वाला है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। ओवर टाइम आपको इसमें डबल दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटीज आपका रहने वाला है, कैंटीन पी एफ पी एस है जितने भी रहते हैं, बस फैसिलिटी भी इसके साथ आपको दिया जाएगा। ओनली आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका उसमें सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग जाइए, इसमें जाएंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नहीं चाहिए सारा कुछ मैं ऑल डिटेल्स में, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इसके नोटिफिकेशन पे चल के, कि इसमें क्या एज लिमिट रखा गया है, कौन कौन से ट्रेड भाग ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, एंड कहाँ कैंपस प्लस में लगाई जा रही है, कहाँ जाना है, ऑल डिटेल्स में बताऊंगा। तो शुरू से एंड तक दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा भी आप अगर स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाद में आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं सर कब कहाँ कैंपस प्लस में लगाई जा रही, कब हो ये कन्फर्म है या नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखा करिए, नोटिफिकेशन को पढ़ा कीजिए, और नोटिफिकेशन का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस में की जानकारी दी जाती है या आईडी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं ओप्पो मोबाइल कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों देख सकते हैं ओप्पो मोबाइल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं जो ये कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी, आप सभी जानते हैं ओप्पो मोबाइल यूज भी करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अभी चल रही है ओप्पो मोबाइल कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे देख सकते हैं जो जॉब लोकेशन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, जो नोएडा में है। जितनी भी मोबाइल की कंपनी है सारी मोबाइल कंपनी जो नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है ज्यादातर कंपनियां। यहाँ पे देख सकते हैं जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो डिपार्टमेंट आपका जो रहने वाला है वो मेंटेनेंस में रहने वाला है, जो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रखा गया है यहाँ पे। एंड डेजिग्नेशन जो दिया गया वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए रखा गया है वो बीटेक के लिए रखा गया है, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल ट्रेड रखा गया है। जो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच से है, बीटेक की है, वही इस कैंपस में इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए आपका, 1 से 3 ईयर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तभी आप इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। एंड सैलरी और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो 20,000 से 22,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा, जो सैलरी बहुत ही अच्छा इसमें आप लोगों को दिया जा रहा है। एंड डिपार्टमेंट जो एसपीई रहने वाला है, डेजिग्नेशन भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एसपीई के लिए जो लिया जा रहा है यहाँ पे, वो क्वालिफिकेशन बीटेक ही रखा गया है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल यहाँ पे दिया गया है। जो ब्रांच यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, मैकेनिकल एंड जो ऑटोमोबाइल ब्रांच से है वो इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है वो 1 से 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो 20,000 से 22,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें भी सैलरी दिया जाएगा, सैलरी सेम रहने वाला है। एक्सपीरियंस में थोड़ा अंतर है, डिफरेंस दिया गया है, वहाँ पे 3 ईयर का दिया गया है, यहाँ पे 2 ईयर का दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा है सैलरी, तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा आपको सैलरी दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो फैसिलिटी रहने वाला आपका ईएसआई पीएफ बोनस ये सब रहने वाला है। अटेंडेंस वार्ड जो बहुत ही अच्छा है इसमें आपको दिया जा रहा है, 2,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, आप अगर पूरा 24 दिन ड्यूटी करते हैं तभी आपको इसमें दिया जाएगा। बस फैसिलिटीज आपका फ्री रहने वाला है, नाइट ड्यूटी में आपका 50 रुपये ज्यादा आपको पैसा दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें ओवर टाइम आपका डबल रखा गया, जो बहुत ही अच्छा इसमें फैसिलिटी दिया जा रहा है कि ओवर टाइम आपका इसमें डबल रखा गया। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस रखा गया है 250 किलोमीटर, मतलब आप अगर 250 किलोमीटर से दूर है तभी आप इस कैंपस में इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। कम से कम 250 किलोमीटर दूर आपका घर होना चाहिए, एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है। एंड इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, 10th का मार्कशीट, बीटेक का मार्कशीट, रिज्यूम आधार कार्ड, पैन कार्ड और नर्सरी डॉक्यूमेंट, 5 पासपोर्ट साइज कलर वाला फोटो, बायोडाटा, सीवी, ये सब लेके जाना। और इन सब का 2-2 जेरॉक्स कॉपी आप साथ में लेके जाइएगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ओरिजिनल तो नहीं लिया जाता, ओरिजिनल सिर्फ चेक किया जाता है, बट आपका जो जमा लिया जाता है वो आपका फोटोकॉपी होना चाहिए। एंड इंटरव्यू लोकेशन जो दिया गया है वो ऑयलमैन एम्प्लॉयमेंट इंडियन एड्स जो दिया गया है, WB02 ब्लॉक, जो गेट नंबर दिया गया है 8 सेक्टर 71 नोएडा उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आप लोगों का होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू कोई डेट नहीं दिया गया है, कल से इंटरव्यू चल रही है, आज भी चलेगी, अभी 2-4 दिन चलेगी, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू टाइम जो दिया गया है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी, 1 बजे के बाद इंटरव्यू बंद हो जाएगी, उससे पहले आपको जाना है तभी आपका इंटरव्यू हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, और भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी। तो जय दोस्तों, बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, सैलरी इसमें बहुत ही अच्छा खासा आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो इस
इसको मिस नहीं करना है, इसमें जाइए आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा गया है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए, आप दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आप साथ में लेकर जाना है, COVID-19 का आपका गाइडलाइन पालन करना है जो सरकार द्वारा निर्देश किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सैनिटाइजर पानी की बोतल और इंटरव्यू के दौरान मुंह पर मास्क होना अनिवार्य है। आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, पानी का बोतल साथ में लेके जाइएगा, मास्क लेके जाइएगा और मास्क पहन के रहिएगा, कोई पॉकेट में घुसाने के लिए चीज़ है नहीं, आप पहन के रहिएगा एंड समय समय पर आप अपने हाथों को सैनिटाइजर कीजिए और विशेष ध्यान रखिए अपने आप को। तो जय दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।